ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए भाई, जो सिग्नल रिसीव किए जाते हैं वो ट्रांसमिटेड सिग्नल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। क्यों? उसमें कुछ नॉइज, डिस्टॉर्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वही चीज लिखा है, सिग्नल रिसीव्ड में डिफर फ्रॉम द सिग्नल ट्रांसमिटेड। ठीक, तो ये क्या करता है, इफेक्ट क्यों आता है? दिस इफेक्ट विल डिग्रेड द सिग्नल क्वालिटी, जो सिग्नल की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है फॉर एनालॉग सिग्नल्स, एंड इंट्रोड्यूस बिट एरर्स फॉर डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल में सिग्नल क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और डिजिटल सिग्नल में कुछ बिट में एरर आ जाती है। ये बेसिकली ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। ये तीन कैटेगरी होती है, अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। अब एक एक करके मैं इनका मतलब पहले आपको बताता हूं। अटेन्युएशन का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। भाई सिग्नल ट्रेवल करते हैं यहां से यहां तक, तो सिग्नल में कुछ एनर्जी लॉस होती जाती है ना, तो अटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज वीकर सिग्नल। ठीक, व्हेन एवर अ सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम इट लॉस इट्स एनर्जी सो दैट इट कैन ओवरकम बाई रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, जो मीडियम का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से एनर्जी इनकी लॉस हो होती जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर एम्पलीफायर का यूज करते हैं या रिपीटर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर्स आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस। इस लॉस की भरपाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं। इफ सिग्नल इज अटेन्युएटेड, अब अटेन्युएशन को हम लोग डीबी में मीजर करते हैं, डेसिबल जो बोलते हैं, डीबी है ना। तो इफ सिग्नल इज अटेन्युएटेड देन डीबी इज निगेटिव, मतलब उसमें अटेन्युएशन है। अगर सिग्नल एम्पलीफाई किया जाता है, इफ अ सिग्नल इज एम्पलीफाइड देन द डीबी इज पॉजिटिव, तो न्यूमेरिकल में अगर डीबी पॉजिटिव दिया गया दैट मीन सिग्नल एम्पलीफाई किया गया है, और अगर डीबी निगेटिव है तो फिर अटेन्युएटेड है। तो ये डीबी बेसिकली डेसिबल होती है, इसकी यूनिट अटेन्युएशन की है ना। अब अटेन्युएशन मेजर कैसे करते हैं, अटेन्युएशन का फॉर्मूला होता है 10 इंटू लॉग बेस 10 पी टू बाई पी वन, 10 इंटू लॉग 10 ये बेस में है, पी टू बाई पी वन। पी टू पी वन क्या है, पी टू एंड पी वन आर द पावर ऑफ द सिग्नल, जो पी टू एंड पी वन पावर ऑफ द सिग्नल एट पॉइंट वन एंड टू, दो पॉइंट होंगे ना, तो एक पॉइंट पी टू बाई पी वन, तो कितना आएगा, वो होगा आपका अटेन्युएशन। अच्छा, ये अटेन्युएशन जो होगा अगर हम इसको डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल में अगर ये वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो हो गई पावर के फॉर्म में, पावर पी टू बाई पी वन। अगर वोल्टेज के टर्म में है तो ट्वाइस हो जाता है, दो से मल्टीप्लाई और हो जाता है। तो अटेन्युएशन इक्वल टू 20 इंटू लॉग बेस 10 वी टू बाई वी वन, वेयर वी टू एंड वी वन आर दी वोल्टेज ऑफ अ सिग्नल एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। तो ये हुई अटेन्युएशन की डिस्क्रिप्शन। अब देखिए कैसे होता है, ये फिगर देखिए, ओरिजिनल सिग्नल ये था। ठीक, तो अटेन्युएटेड जब होता है तो सब ये वीक हो जाते हैं ना, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देन हम इसमें एम्पलीफाई करते हैं, तो अगेन एम्पलीफाइड करने से फिर इसका जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से हो जाती है, फिर से इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये ओरिजिनल सिग्नल को मैंने दिखाया, अटेन्युएटेड सिग्नल जो वीक सिग्नल हो जाता है, देन फिर एम्पलीफाइड सिग्नल इस तरीके से। प्रोसेस देखिए, ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ट्रांसमिशन मीडियम है, फिर हम क्या करते हैं जब वीक हो जाते हैं तो ये एम्पलीफायर लगा देते हैं, तो एम्पलीफायर लगा हुआ है, देन फिर पॉइंट थ्री पे हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलने लगते हैं। अब देखिए डिस्टॉर्शन क्या होता है, दूसरा पॉइंट, इफ अ सिग्नल चेंजेज इट्स फ्रॉम फॉर्म और शेप, अगर इसकी फॉर्म बदल जाती है या शेप बदल जाती है तो हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इट इज रेफर टू एज डिस्टॉर्शन। अब सिग्नल होते क्या है, सिग्नल मेड्स अप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कंपोजिट सिग्नल्स, है ना, बहुत सी फ्रीक्वेंसी होती है उनको मिक्सअप करके हम लोग सिग्नल बनाते हैं, तो डिस्टॉर्शन अकर्स इन दीज कंपोजिट सिग्नल्स। अब कैसे, ईच कंपोनेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हैज इट्स प्रोपोगेशन स्पीड ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम एंड देयरफॉर डिफरेंट कंपोनेंट हैव डिफरेंट डिले इन अराइविंग एट फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए इसका मतलब समझिए, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, पहले तो डिस्टॉर्शन मतलब समझिए, अगर उसकी फॉर्म या शेप कुछ चेंज होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्शन। अब होता क्या है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को कंपोज करके बनाए जाते हैं, है ना, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी अपनी प्रोपोगेशन स्पीड होती है जो कि मीडियम से ट्रेवल करती है। तो चूंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं तो एक डिस्टेंस पे जाके
सारी फ्रीक्वेंसीज जो है अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग डिले प्रोड्यूस करती हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट डिले इन अराइविंग एट द फाइनल डेस्टिनेशन, तो जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक, इट मींस दैट सिग्नल हैव डिफरेंट फेजेस एट द रिसीवर देन दे डिड एट द सोर्स, मतलब सोर्स पे जो उसके फेज थे वो चेंज हो जाते हैं। अभी देखो फिगर से आपको समझ में आएगा, ये फिगर बना हुआ है, हमारे जो कंपोजिट सिग्नल है वो इस फॉर्म में थे, यहां पर देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, है ना, यहां पर ये, है ना। अब ये जो फिगर बना हुआ है इस टाइप से, ये इन तीन फेज को मिला के बनाया गया है, एक ये, फिर एक ये और फिर एक ये, इससे ये बना। लेकिन जब ये मीडियम में ट्रेवल करता है तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, ये ऐसे हुआ फिर ये ऐसे हुआ, अब ये इतना डिफरेंस हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये ऐसे हो गया, नीचे देखिए इस तरीके से हो गया, जबकि ओरिजिनल शेप क्या थी, ये थी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टॉर्शन। जो हमने बताया कि जो ये फ्रीक्वेंसीज थी मीडियम में अलग अलग चलेंगी तो इनके फेजेस अलग अलग होंगे, तो रिसीविंग पे पहुंचते पहुंचते ये कंपोजिट सिग्नल इस फॉर्म से इस फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टॉर्शन। अब देखिए तीसरा इंपेयरमेंट क्या होता है, नॉइज। नॉइज क्या होता है, द रैंडम और अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल है उसके साथ कुछ रैंडम या अनवांटेड सिग्नल जो मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉइज। ये बेसिकली चार तरीके की होती हैं, इंड्यूस्ड नॉइज, क्रॉस टॉक नॉइज, थर्मल नॉइज एंड इम्पल्स नॉइज, विच मेक करप्ट द सिग्नल। अब देखिए एक एक करके चारों नॉइज होती क्या है। इंड्यूस्ड नॉइज का मतलब है इंड्यूस्ड नॉइज कम फ्रॉम सोर्सेज सच एज मोटर एंड अप्लायंसेज, जो आप मोटर या अप्लायंसेज लगाते हो उनमें से। दीज डिवाइसेज एक्ट एज, ये डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे सेंडिंग एंटीना में लगी हुई होती हैं या ट्रांसमिशन मीडियम में लगी हुई होती हैं, एक्ट एज रिसीविंग एंटीना। तो इनकी वजह से, एंटीना की वजह से जो नॉइज आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड नॉइज। अब देखिए थर्मल नॉइज क्या होती है, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर विच क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा सिग्नल। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स वायर में ट्रेवल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मल नॉइज। आगे देखिए क्रॉस टॉक नॉइज क्या होती है, क्रॉस टॉक नॉइज इज व्हेन वन वायर अफेक्ट विद अदर वायर, मतलब एक वायर एक दूसरे से अगर कनेक्ट हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना, आप फोन से बात कर रहे होते हैं तो दूसरी बात भी आपको सुनाई देने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन, है ना। तो वही चीज है कि व्हेन वन वायर अफेक्ट द अदर वायर, जस्ट लाइक इन टेलीफोन सिस्टम इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस टू हियर कन्वर्सेशन ऑफ अदर पीपल इन द बैकग्राउंड, कई बार ऐसा होता है, तो दिस इज नॉन एज क्रॉस टॉक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस टॉक नॉइज। इम्पल्स नॉइज क्या होती है, इम्पल्स नॉइज इज अ नॉइज विद हाई सिग्नल विद हाई एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम लाइटनिंग और पावर लाइन्स ड्यू टू लूज कॉन्टेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सो ऑन। तो जो लाइटिंग या पावर लाइन्स की वजह से जो नॉइज आती है उसको बोलते हैं इम्पल्स नॉइज। ऐसा होता क्यों है, लूज कॉन्टेक्ट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके लूज कॉन्टेक्ट की वजह से। तो ये होती है हमारी क्या, नॉइज। अब देखिए फिगर से आपको इसको भी समझाते हैं, ये हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल थे, ठीक। अब इसमें जब नॉइज आ गए, ये सपोज करो ये नॉइज है हमारी, ये पॉइंट वन और पॉइंट टू, ये ट्रांसमिशन मीडियम है, तो नॉइज पे क्या जब इसके साथ मिक्स हो जाती है तो रिसीव सिग्नल कुछ इस तरीके का हो गया। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए यहां पर क्या हुआ, दिस वन फिर ये इतना ऊपर चला गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। तो इस तरीके से ये तीन हमारे इम्पेयरमेंट जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट थे उनको मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब देखिए इस पे कुछ, ये तो था थ्योरी पोर्शन, अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले एक छोटी सी और मैं बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है बिट रेट और बॉड रेट, इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जो हम लोगों के सिग्नल जो हमारे बिट्स होती हैं, उन बिट्स को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम मल्टीप्लेक्स करते हैं ना किसी के साथ, तो वहीं से निकल के आए हैं टर्म बिट रेट और बॉड रेट। तो बिट रेट क्या है, बिट रेट इज ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, जो हम बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। जबकि बॉड रेट क्या होता है, बॉड रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्नल्स सिग्नल यूनिट पर सेकेंड। डिफरेंस क्लियर है, बिट रेट इज ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, जो बिट आप ट्रांसमिट करेंगे और उसको मल्टीप्लेक्स करके जो टोटल सिग्नल ट्रांसमिट होंगे उसको बोलते हैं बॉड रेट। तो बिट रेट मींस ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, बॉड रेट का मतलब डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट पर सेकेंड।
है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिट रेट इक्वल टू बॉड रेट मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाइड है, नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड, बिट रेट इक्वल टू बॉड रेट इंटू नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड। अब जरा नॉइज का कॉन्सेप्ट समझिए। नॉइज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, चैनल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉइज लेस चैनल और एक होते हैं नॉइजी चैनल। तो नॉइज लेस चैनल में जो हमारा फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला, उसको बोलते हैं नाइक्विस्ट बिट रेट। इसका फॉर्मूला होता है बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग एल बेस 2, बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग एल बेस 2। एल क्या है, एल इज द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, बैंडविड्थ आप जानते ही। अब अगर नॉइजी चैनल है तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सेनन कैपेसिटी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू लॉग 1 प्लस एस एन आर बेस 2, दोनों जगह बेस 2 है। SNR क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, शॉर्ट में बोल देते हैं SNR। तो SNR का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज, जो आपके सिग्नल है उनकी पावर और नॉइज की पावर। SNR इक्वल टू सिग्नल, पावर ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज, इसी को शॉर्ट में ही हम लोग लिख देते हैं S बाई N। अगर कहीं SNR लिखा है या S बाई N लिखा है, दोनों बात एक ही है। अब देखो जरा, S बाई N या SNR जो लिखा जाता है, कई बार तो इसकी कोई यूनिट नहीं दी हुई होती भाई, पावर बाई पावर है, पावर ऑफ सिग्नल बाई पावर ऑफ नॉइज, तो यूनिट क्या हो गई, कुछ भी नहीं, पावर से पावर कैंसिल हो गया। और कई बार इसको डीबी में दे दिया जाता है, डेसीबल में डीबी। तो हम क्या करते हैं, डीबी से और विदाउट यूनिट में कन्वर्जन कर लेते हैं। उसका देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपको S बाई N dB में निकालना हो, उसका सीधा फॉर्मूला है 10 इंटू लॉग बेस 10 S बाई N, जो हमने अभी ऊपर देखो आपको बताया था, ये देखिए बिल्कुल ऊपर मैंने बताया था ट्रांस अटेन्यूएशन में, dB का 10 लॉग 10 P2 बाई P1 या 20 लॉग 10 V2 बाई V1, तो पावर यहां पे रख देंगे हम लोग, तो 10 लॉग बेस 10 P2 बाई P1, तो यही चीज निकल के आती है, ठीक। तो अगर डीबी में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से कर लेंगे। अब अगर आपको डीबी में दिया गया है और नॉर्मल सिनेरियो में चाहिए विदाउट यूनिट का, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, एस बाई एन इक्वल टू इसका जस्ट रिवर्स, एस बाई एन अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, जो जो डीबी है इसी को मैं कर देता हूं, जब आप एस बाई एन निकालेंगे तो क्या होगा, ये बेस्ट डीबी बाई, इधर देखिए डीबी लिखा था ना, तो ये डीबी, ये 10 कहां चला जाएगा, डिवाइडेड बाई में, तो db बाई 10, और ये log बेस 10 है तो 10 टू दी पावर लग जाएगी, तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है s बाई n इक्वल टू 10 टू दी पावर db बाई 10। तो ये हुआ डेसीबल में निकालने के लिए s बाई n का, और अगर डेसीबल को विदाउट यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एक तरीके के एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स हो जाएं, और मैं उसमें ये कोशिश करता हूँ जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं कंसीडर करूं। तो मैं लास्ट ईयर के जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, कंसीडर अ नॉइजलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज। मैंने आपको बताया था अगर एनालॉग सिग्नल होगा तो बैंडविड्थ हर्ट्ज में दी जाएगी, और अगर डिजिटल सिग्नल होगा तो बिट्स पर सेकंड में, इसका मतलब ये एनालॉग सिग्नल है। चैनल नॉइजलेस दिया गया है, ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद टू सिग्नल लेवल्स, ठीक। तो मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं क्या क्या हमको दिया गया है, बैंडविड्थ कितनी दी गई है 3000 हर्ट्ज, सिग्नल लेवल्स कितने दिए गए हैं 2, सिग्नल लेवल्स दिए गए हैं कितने 0 2। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम बिट रेट, मैक्सिमम बिट रेट, तो नॉइजलेस चैनल के लिए बिट रेट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या बिट रेट नाइक्विस्ट वाला, बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग एल बेस 2। तो 2 इंटू बैंडविड्थ कितनी दी गई है 3000 हर्ट्ज की, इंटू लॉग लेवल्स कितने दिए गए हैं 2, तो लॉग 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 2 इंटू 3000 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6000
1000 बेसिक यूनिट बिट्स पर सेकेंड बीपीएस। ठीक, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वी नीड टू सेंड अ 265 केबीपीएस। तो केबीपीएस क्या है, ये बिट रेट, लिख लीजिए आप पहले, बिट रेट हमारा दिया गया है 265 केबीपीएस, तो हमने 1000 लगा लिया, अभी आ गया बीपीएस ओवर अ नॉइजलेसनेस चैनल, तो चैनल जो हमारा वो नॉइजलेस है, विद अ बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज, तो बैंडविड्थ हमको दी गई है 20 किलोहर्ट्ज, तो 20 × 10³ ये हो गई क्या हर्ट्ज। हाउ मेनी सिग्नल लेवल्स, तो वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, अभी जो मैंने बताया बिट रेट इक्वल टू 2 × बैंडविड्थ × log L/2, तो बिट रेट कितना दिया गया है 265000 इक्वल टू 2 × बैंडविड्थ कितना दिया गया है 20 × 10³ × log L/2। मैं ये इंटू कंप्यूटर वाला लगा देता हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी हैबिट में वही कंप्यूटर वाला ही आ गया है। तो अब क्या होगा, इसमें से 1, 2, 3 ये तीनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 265/40 = log L/2। तो अब आपको अगर L की वैल्यू, इसकी पहले निकाल लीजिए आप वैल्यू, 265/40 की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट इधर लग जाएगा, 6.625, तो ये हो गया log L/2 की वैल्यू। तो L की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर में चला जाएगा ये 2 to the power 6.625, इसकी आप निकाल लीजिएगा वैल्यू, ये आएगी आपकी 98.7, ये इतने लेवल्स मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया है, 98.7 लेवल्स, इतनी लेवल आपके सिग्नल की होंगी। प्रॉब्लम नंबर 3, टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, ये बैंडविड्थ दी गई है 3000 हर्ट्ज की, नोट कर लेते हैं, बैंडविड्थ इक्वल टू 3000 हर्ट्ज, SNR इज 3162, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो दिया गया है 3162, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, तो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, कैपेसिटी इक्वल टू बैंडविड्थ मल्टीप्लाइड बाय log/2 1+SNR। ठीक, तो इस फॉर्मूले में जब SNR लिखा जाता है तो वो विदाउट यूनिट का लिखा जाता है जो हमको गिवन है, तो बैंडविड्थ हो गई 3000 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई log/2 1+3162, तो इक्वल टू 3000 × log 3163, इसका base 2 का वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.62, log 3163 base 2 की वैल्यू होगी 11.62, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, 6, 8 and 34 और 3 0, तो एक पॉइंट इधर है, तो दिस 34,860 बिट्स पर सेकेंड। ठीक, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि SNR की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम तो विदाउट यूनिट, अगर डेसिबल में दिया गया है तो हम उसे विदाउट यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, SNR इज ऑफन कैलकुलेटेड इन गिवन इन डेसिबल्स, एज्यूम दैट SNR इज 36 dB। ओके, SNR हमको दिया गया है 36 dB, डी स्मॉल बी कैपिटल, चैनल बैंडविड्थ दी गई है 2 MHz, तो बैंडविड्थ हो गई 2 × 10⁶ हर्ट्ज, कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, कैपेसिटी इक्वल टू
बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू वन प्लस एस एन आर। तो इसमें एस एन आर की वैल्यू लिखी जाएगी विदाउट डीबी। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि डीबी को अगर विदाउट डीबी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 10 टू द पावर डीबी बाई 10 डेसिबल बाई 10। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 36 बाई 10, 36 बाई 10 मतलब 10 टू द पावर 3.6। तो इसकी जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा आपका 3981। अब यहां पर डाल दीजिएगा बैंडविड्थ कितनी देगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू लॉग बेस 2 वन प्लस 3981। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू लॉग 3981। तो इसकी जो वैल्यू होगी मैं यहां पे लिखता हूं लॉग बेस 2 3982, इसकी वैल्यू होगी 11.959। ठीक, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 12 के इक्वल मान लेता हूं, तो इंटू 12 तो इक्वल टू ये हो जाएगा 12 इंटू टू 24 इंटू 10 टू दावर 6, तो 24 MBPS, पावर 6 को MBPS में भेज दिया। चूंकि पावर इतनी ज्यादा है 10 टू दावर 6 इसलिए मैंने इसको 12 कर दिया, तो 24 MBPS जो होगी हमारी ये इसकी चैनल कैपेसिटी होगी। एक चीज और, कैपेसिटी निकाली गई है बैंडविड्थ दी गई है हर्ट्ज में, तो इसको आप MBPS मत लिखिए, ये हो जाएगी मेगा हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ जो दी गई है वो हर्ट्ज में दी गई है, तो हम यहां लिख सकते हैं मेगा हर्ट्ज, ये होगी हमारी चैनल कैपेसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज वी विश टू ट्रांसमिट अ रेट ऑफ 24 KBPS, तो ये बिट रेट हमको दिया गया है 64 KBPS का, है ना, या SNR लगाया गया है, तो हम चैनल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो कैपेसिटी हमारी हो गई 64 KBPS, तो इंटू 3 कर देते हैं, BPS में हो गया ये, ओवर अ 3 KHz टेलीफोन चैनल, चैनल क्या दिया गया है, तो ये बैंडविड्थ हो गई हमारी, बैंडविड्थ इक्वल टू 3 KHz मीन्स 3 × 10⁻³ हर्ट्ज। वॉट इज द मिनिमम SNR रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश दिस, सीधा फॉर्मूला लिखिए आप, कैपेसिटी इक्वल टू SNR दिया है तो नॉइज के साथ लगेगा, तो कैपेसिटी इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2 वन प्लस SNR। ठीक है, तो इक्वल कैपेसिटी कितनी दी गई, 64 × 10³, इधर बैंडविड्थ दी गई है 3 × 10³ इंटू लॉग बेस 2 वन प्लस SNR, तो ये कैंसिल हो गया 64/3 इक्वल टू लॉग बेस 2 वन प्लस SNR, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब 64/3 है ना, तो जब आप इससे SNR की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 to the power 64/3। तो ये जब वैल्यू आप निकालोगे 2 to the power 64/3, तो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 2.64 × 10⁶। मैं यहां पर लिख देता हूं, रफ कैलकुलेशन कर देता हूं, 2 to the power 64/3 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, 2642245.94। तो SNR इक्वल टू क्या होगा, 2 to the power 64/3 माइनस 1 भी आएगा, है ना, क्योंकि 1 प्लस SNR आएगा तो 1 माइनस कर देंगे, तो इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2642244.94, है ना, ये वैल्यू आएगी। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या, 2.6 × 10⁵ 1 2 3 4 5 6, तो वही मैंने लिखा है यहां पर 2 to the power 64/3 - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट में 2.64 × 10⁶, है ना। तो हमारा जो SNR होगा, मिनिमम SNR, वो ये होगा। अब ये SNR विदाउट यूनिट का है, कई बार इसको अगर डीबी में पूछा जाए, तो मैंने डीबी का फॉर्मूला आपको बताया था, SNR
डीबी में अगर आपको निकालना हो तो मैंने उसका तरीका आपको बताया था, क्या 10 log बेस 10 और जो ये इसकी वैल्यू है s by n, तो s by n कितना हो गया 2.64 into 10 to the power 6। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे log बेस 10 2.64 into 10 to the power 6, ये आपका आएगा 6.42। ठीक, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 64.2 डीबी। तो आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां पे यूनिट नहीं लिखेंगे आप, ये एस बाई एन हो गया। अगर डीबी में निकालना हो तो इस तरीके से आप लिख लीजिए 10 लॉग बेस 10 और ये डीबी, ये एस बाई एन की वैल्यू फॉर्मूला में बता चुका हूं आपको। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 6.42, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 64.2 डीबी। तो इसका आंसर हो गया मिनिमम एसएनआर कितना होगा 64.2 डेसिबल। सपोज अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, देन फाइंड द अटेन्युएशन लॉस ऑफ पावर इफ इट्स पावर इज रिड्यूस्ड टू 1/2। ये तो सीधा सा प्रॉब्लम है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, जो अभी पावर का मैंने बताया था 10 log बेस 10 p2 बाई p1, सीधा सीधा फॉर्मूला ये बताया था कहेगा अटेन्युएशन का, अटेन्युएशन का। अब क्या कह रहा है, पावर जो है इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब p2 अगर मैं x मान लूं तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई लॉस ऑफ पावर हाफ। तो सॉरी, p1 को हम लोग x मानेंगे क्योंकि 0.2 जब डिस्टेंस पर ट्रेवल करता है तो दूसरी जगह पर वैल्यू चेंज होती है हमारी। भाई अगर ट्रेवल कर रहा है तो फर्स्ट पे पावर ज्यादा होगी इस पॉइंट पे और अगले वाले पॉइंट पे पावर कम होगी। तो p1 की वैल्यू अगर मैं x अज्यूम करता हूं तो p2 कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 0.5x या x बाई 2। इसी फॉर्मूले में आप निकाल लीजिएगा कि हमारा अटेन्युएशन कितना हो जाएगा, तो log 10 log सॉरी ऐसा लिखिए टेन log बेस 10, p2 की वैल्यू होगी 0.5x और p1 की वैल्यू कितनी होगी x कट गया, तो यह है हमारा 10 log बेस 10 0.5। तो log बेस 10 0.5 की वैल्यू होती है -3, तो 10 -0.3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डीबी, है ना, -3 डीबी। माइनस का मतलब क्या है, अटेन्युएशन तो 3 डेसिबल का होगा, माइनस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर अटेन्युएशन माइनस में आता है तो वो सिग्नल अटेन्युएटेड है, अगर प्लस लिखते हैं तो एम्पलीफाइड है, मतलब माइनस आया इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल वीक हुआ है, कितना 3 डीबी। ठीक, एक चीज और, एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया गया था कि अगर पावर इज इंक्रीज 10 टाइम्स, इसी में मैं एक बता देता हूं, आया था इफ, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, इफ पावर इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, तो फिर p1 की वैल्यू सपोज करो x होगी तो p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x। जरा इसी में रखिए आप, 10 log बेस 10 10x अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा 10 log बेस 10 और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना आ गया 10 डीबी। ये देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, सिग्नल आपका एम्पलीफाइड है ना। तो ये 10 डीबी, ये दोनों क्वेश्चन एक बार पूछे गए थे कि हाफ और 10 टाइम्स, तो मैंने एक साथ ही करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ बाइनरी सिग्नल इज सेंड ओवर अ 3 kHz चैनल, तो ये क्या होगी, बैंडविड्थ होगी, जाहिर सी बात है 3 kHz चैनल है, तो मैं यहां लिख देता हूं बैंडविड्थ हमको दी गई है 3 kHz, मतलब 3 × 10³³ हर्ट्ज, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करता चलता हूं। वेयर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 20 डीबी, तो एस एन आर जो हमको दिया गया है वो 20 डीबी, डी स्मॉल बी कैपिटल लिखा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट, ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है बिट रेट या डेटा रेट का, यहां लिख देता हूं मैं, बिट रेट इक्वल टू 2 × बैंडविड्थ × log बेस 2 L लेवल्स, है ना। तो अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए तो आपको क्या मिलेगी, 2 × बैंडविड्थ कितनी है 3 × 10³³ log बेस 2 L की वैल्यू, देखो पहले ही लिखा है बाइनरी सिग्नल, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10³, मतलब 6 kbps लिख देता हूं मैं, kbps। तो ये तो हो गया आपका 6 kbps। कैसे, जब आप बिट रेट कैसे निकालेंगे, नाइक्विस्ट लिमिट लगा के, NYQUIST। जब मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट की बात की जाती है तो हम दोनों निकालेंगे, ये तो हो गया नाइक्विस्ट से। अब चूंकि SNR दिया है तो हम इसमें नॉइजलेस वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे। उस टाइम पे बिट रेट क्या होता है या कैपेसिटी क्या होती है उसका फॉर्मूला देखिए, वो भी तो कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू लॉग बेस टू 1 + SNR। ये आपको मालूम है, बैंडविड्थ गिवन है, बस इसमें ये दिक्कत है SNR जो है विदाउट यूनिट के लिखा जाता है। तो ये जो SNR दिया गया था इसको आप विदाउट यूनिट में कन्वर्ट करिए पहले। तो S/N विदाउट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 10^dB/10। तो क्या हो जाएगा 10^20/10, मतलब 100। अब यहां पर रख दीजिए बैंडविड्थ कितनी दी गई है, 3 × 10³ × log base 2 1 + 100। तो ये हो जाएगा 3 × 10³ × log base 2 यहां पर क्या हो जाएगा 101। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10³, इसकी वैल्यू होगी 6.65 के अप्रोक्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए 19.95 × 10³। तो मैं अप्रोक्सीमेशन में लिख देता हूं 20 × 10³ मींस 20 kbps। ठीक, तो ये कैसे निकली है, अकॉर्डिंग टू Shannon कैपेसिटी, SHANNON, अकॉर्डिंग टू Shannon कैपेसिटी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू Shannon कैपेसिटी मैक्सिमम बिट रेट इज 20 kbps एंड अकॉर्डिंग टू Nyquist द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6 kbps। ठीक, तो इस तरीके आप इसका आंसर निकालेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट। तो Nyquist अगर हम यूज करेंगे तो दिस वन 6 kbps, और Shannon कैपेसिटी अगर हम यूज करेंगे तो 20 kbps। राइट, अब देखो, अब आप कहोगे सर इसमें दोनों क्यों लगाए हैं। हमने इसलिए दोनों लगाए हैं क्योंकि इसमें SNR भी दिया गया था और बाइनरी सिग्नल लेवल्स भी दी गई थी, बाइनरी सिग्नल, इसलिए हमने ये भी लगाया और ये लगाया। तो Shannon कैपेसिटी से दिस और इससे Nyquist से दिस। अब आंसर तो एक ही होगा भाई, फाइनल आंसर की मैक्सिमम अचीवेबल बीटा डेटा रेट क्या है। तो अब देखो क्या होगा, अगर आप Nyquist से लगाते हैं तो 6 kbps का मिलता है, और नॉइजी चैनल यूज करते हैं तो फिर दिस। तो मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट क्या होगा, जो मैक्सिमम, तो इन दोनों में जो लेसर वैल्यू होगी भाई, अगर ये लगाओगे तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा और ये लगाओगे तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो जरूरी थोड़ी कि हम ये लगाएं। तो जो मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट होगा तो इन दोनों में जो लेसर वैल्यू होगी, इसलिए हमने अब हम यहां पर लिखेंगे मैक्सिमल डेटा रेट बिट रेट या डेटा रेट या बिट रेट इक्वल टू 6 kbps, इन दोनों में लेस वैल्यू। वाई, देखो मैं बताता हूं, अगर आप Nyquist लगाओगे तो मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, और दूसरे वाला फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो इतना, तो इससे ऊपर अगर आप भेजोगे तो इस मेथड पे आ जाओगे ना। तो जरूरी थोड़ी कि मशीन ये इंप्लीमेंट करे या ये इंप्लीमेंट करे, तो जो इसमें लेसर वैल्यू होगी वो आपका मैक्सिमल अचीवेबल डेटा रेट हो जाएगा। मैं इसका आंसर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमने दोनों फॉर्मूले क्यों लगाए हैं, लास्ट वाले में तो नहीं लगाया था, क्योंकि यहां पर SNR भी दिया गया है और सिग्नल की लेवल भी दी गई है कि बाइनरी सिग्नल है हमारा, तो इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, जो लेस वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मॉडर्न कॉन्स्टेलेशन डायग्राम हैज डेटा पॉइंट्स एट द कोऑर्डिनेट्स, तो ये पॉइंट दिए गए हैं 1, 1, -1, -1, 1 एंड -1। देखो इसका मतलब समझो, ये दिए क्यों गए हैं, 1, 1, -1, तो 1, -1, -1, 1 एंड -1, 1। ठीक, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये एक बाइनरी सिग्नल है जो लेवल हमारा चेंज हो रहा है। देखिए 1 से 1 है ना, तो हमारा लेवल कितना हुआ 2। ये सिर्फ इतने के लिए दिया गया है कि जो लेवल है हमारा बाइनरी सिग्नल का, जो सिग्नल का लेवल है वो 2 है, दैट्स इट।
हाउ मेनी बीपीएस कैन मॉड या मॉडम विद दिस इनकोडिंग अचीव अट 1200 बॉड। ये बॉड रेट हमको दिया गया है 1200। अभी मैंने बताया था ना बिट रेट और बॉड रेट का मतलब, बॉड रेट मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन। तो अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी बीपीएस कैन ए मॉडम, बीपीएस मतलब बिट रेट क्या होगा, है ना। तो सीधा सा आप फॉर्मूला लगाइए बिट रेट का क्या होता है। अभी मैंने बताया था आपको बिट रेट इक्वल टू बॉड मल्टीप्लाइड बाई बिट्स पर सिंबल, बिट्स पर सिंबल। तो बॉड कितना दिया गया आपको 1200, और बिट्स पर सिंबल मतलब ये लेवल्स जो मैंने आपको बताई चेंजेस, ऐसे लिख लीजिएगा आप, चाहे लेवल लिखिए या बिट्स पर सिंबल लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही लिख देता हूं, बिट्स पर सिंबल symbol, ठीक सही लिख देता हूं, बिट्स पर सिंबल, ठीक है ना। लेवल जो बिट्स पर सिंबल है देखिए ना, -1 से 1 है ना, तो इस तरीके से 2 हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो इसका बिट रेट कितना आ गया आपका 2400, यूनिट क्या थी बीपीएस, मिनिमम यूनिट बीपीएस, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ ये चीज ये बताती है कि जो आपकी बिट्स पर सिंबल होंगी वो कितनी होंगी, इस तरीके से आप निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेट से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कम्युनिकेशन चैनल द सिग्नल पावर इज 100 वॉट, ओके, नॉइस पावर इज 10 वॉट, ओके, इन ऑर्डर टू सेंड इंफॉर्मेशन एट अ रेट ऑफ 10 kbps व्हाट इज द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ। इसका मतलब क्या है, एस बाई एन आपको निकालना पड़ेगा। देखो सिग्नल बाई नॉइज, तो सिग्नल पावर कितनी दी गई है 100 वॉट, और नॉइज पावर कितनी दी गई है 10 वॉट, तो ये कितना आ गया 10 एस बाई एन। तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है बिट रेट वाला, नॉइज के साथ जो होता है, तो बिट रेट इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला इसका क्या, बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2 1 प्लस एस एन आर। बैंडविड्थ पूछी गई है, ठीक है भाई, बैंडविड्थ हम निकालेंगे, बिट रेट 10 kbps, तो 10 × 10³ इंटू लॉग बेस 2 1 प्लस एस एन आर, एस एन आर कितना था 10, ठीक है, तो 10 × 10³ 10 × 10³ डिवाइडेड बाई लॉग बेस 2 11, ये हो जाएगी हमारा क्या बैंडविड्थ। तो देखिए कैसे निकल के आएगी, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लॉग बेस 11 बेस 2, तो 10 × 10³ अपॉन लॉग 11 बेस 2 की जनरल वैल्यू आएगी 3.459, ठीक, तो इससे हमारी बैंडविड्थ आ जाएगी 2.89 × 10³। तो हम कह सकते हैं 2.89 kbps, ठीक है ना। अब देखो कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर तो यही है, लेकिन बुक्स में आप देखोगे कई बार तो ये 3.45 को अप्रोक्सीमेशन में 4 मान लेते हैं, तो 4 कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 2.5, तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी 2.5 kbps, है ना। तो जब इतनी लंबी कैलकुलेशन करते हैं पावर लगती है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में भी एज्यूम कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर रखेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो हो सकता है किस बुक्स में आपको इनका आंसर, इसका आंसर 2.5 kbps भी मिले, उससे आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा। ये 3.4 को ऊपर 4 एज्यूम कर लेते हैं, तो 4 से आप 10 को डिवाइड करते हैं, तो फिर ये 2.5 kbps आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, इसकी बैंडविड्थ कितनी हुई 2.89 kbps, ठीक। तो हमने अब आपके अटेन्यूएशन, बिटरेट, बॉड रेट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल लगभग आते हैं उन फॉर्मूले पे बेस सभी तरीके के देखे दो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और इसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पेपर्स को क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट लगे, कोई और क्वेश्चन कहीं आपको फंसता है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारी अब ये नेटवर्क की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट फर्स्ट हमारी खत्म हो गई। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो इंट्रोडक्शन है ना, जो भी नेटवर्क का इंट्रोडक्शन था, और फिजिकल लेयर है ना, फिजिकल लेयर हमारी खत्म हो गई, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसकी यूनिट
सेकेंड, फर्स्ट मिनट हमारी अब यहां पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।